अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम अल फसलान सीज़न 2 एपिसोड 178 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हमें बगदाद का मंजर सामने आता है, जहां पर एक नजूमी और जादूगर खड़ा था और वो कुछ तैयार कर रहा था। शायद वो ख़तरनाक जहर बना रहा था। वो नजूमी भी था और सब चीज़ें मालूम करना चाहता था। इतने में उनके पास अमीर अरसलान बिसास्त्री आते हैं। फिर बिसास्त्री पूछते हैं, मुझे क्यों बुलाया है सितारा शनास अंगरा? ज़्यादा वक्त नहीं है, फौरन बताओ मुझे क्यों बुलाया है। इस पर अंगरा अपने चेहरे से निकाब हटाता है और एक दाना उठाकर अरसलान बिसास्त्री को देता है और कहता है, जिसके भी पीछे पड़े हो उसका पीछा छोड़ दो। अरसलान बिसास्त्री पूछते हैं, क्यों? अंगारा कहते हैं, क्योंकि वो वैसे भी तुम्हारी ही तलाश में है। अरसलान बिसास्त्री कहता है, अंगरा मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझसे घुमा फिरा कर बात मत किया करो, मुझे इन अधूरी बातों में मत उलझाया करो। अंगारा गुस्सा हो जाते हैं और अपना हिसाब किताब लगाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, तुम जिसके पीछे हो वो तुम तक आ पहुंचेगा। इस पर अमीर अरसलान बिसास्त्री कहता है, अगर ऐसा ही है अंगरा तो मुझे हजर अस्वद की वजह मजीद बढ़ा देनी चाहिए, क्या तुम इसी तरह इशारा कर रहे हो? अंगारा कहता है, हारुदा मजदा की कसम, इस पत्थर की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हारुजा मजरात का नूर मौजूद है। वो पत्थर जब से यहाँ पहुंचा है तब से मैं अपनी ताकत को बैठा हूँ, वो अपनी हिफाजत खुद ही बता रहा है। तुम भी अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करो अरसलान बिसास्त्री, तुम्हारे पीछे बड़ी मुसीबत बहुत बहुत करीब है। इसके बाद हमें एनी किले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर गवर्नर ग्रेकोर कह रहा था, लानत हो मैं ऐसी कमजोरी कैसे दिखा गया, कैसे कैसे हुआ ये सब? अलेक्जेंडर पूछते हैं, एना को क्यों नहीं मार रहे बाबा? क्यों? सिर्फ मुझे या आपको ही नहीं बल्कि हमारे सिपाहियों को भी जाल में फंसाया उसने, अगर आखिरी लम्हात में ना पहुंचता तो आज सुरमारी अल फसलान के कब्जे में होता। ग्रेगोर कहता है, अलेक्जेंडर खामोश हो जाओ। अलेक्जेंडर कहता है, हम बस इतना ही जानते हैं, पता नहीं अल्पागोद के साथ मिलकर। ग्रेगोर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, खामोश रहो, दुरुस्त कहा तुमने, मैंने उसे इस्तेमाल करके सलजोकी सल्तनत को जाल में नहीं फंसाया, वो कब का मौत का मुस्तहिक हो चुका है अलेक्जेंडर बेटे। इतने में वहां पर एनाल साहब उनके पास पहुंच जाते हैं, फिर वो दोनों चुप जाते हैं। एनाल साहब उन्हें देखकर हैरान था। एनाल साहब कहता है, तुम एक अहम बात बतानी है गवर्नर, शायद मेरे बारे में जानने के बाद मेरी गर्दन काट देना चाहते हो। ग्रेगोर पूछते हैं, क्या बात करनी है एनाल साहब? एनाल साहब कहते हैं, सब झूठ था, सब कुछ अल फसलान के साथ तरतीब दिया गया मनसूबा था। इधर अरसलान बिसास्त्री कह रहा था, इतने लोग मिलकर भी वजीर को अपने कब्जे में नहीं रख पाए, हाँ मेरा दिया गया कोई हुक्म पूरा नहीं होगा क्या? फिर वो अपने सिपाहियों को कोड़े मारने लगते हैं। इतने में वहां पर अल फसलान साहब पहुंच जाते हैं। अल फसलान साहब फरमाते हैं, अमीर हजरत। अमीर बिसास्त्री कहता है, अजीम कमांडर कुछ आराम कर पाए या नहीं? अल फसलान साहब फरमाते हैं, काफी ज्यादा, आप तो जानते हैं हम यहाँ ठहना ही नहीं चाहते थे, मगर अब जब हम मुबारक हजर अस्वद के साथ एक ही छत तले हैं तो उसकी ज्यारत करके सुनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहते हैं। इसी दौरान एक सिपाही असद के कानों में सरकोशी करने लगता है, फिर वो सिपाही वहां से चले जाते हैं। वो कह रहा था, अमीर हजरत अब्बासियों के महल से हमारे जासूस ने पैगाम भेजा है, वजीर महल में है, शहजादे अल फसलान की खलीफा से मुलाकात भी करवा चुका है। अमीर बिसास्त्री अल फसलान साहब से कहता है, मैंने कहा था कमांडर अजीम। अल फसलान साहब फरमाते हैं, मुझे अब यकीन है कि खलीफा ने शहजादा अल फसलान को किसी और मकसद से बुलाया होगा। ये सुनकर अरसलान बिसास्त्री हैरान हो जाते हैं और इस तरह यहाँ पर आज के इस एपिसोड का हो जाता है अख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन कराम, अगर आप कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 और अल फसलान सीज़न 2 के मज़ीद एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में